हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 की व्याकरण में से संज्ञा टॉपिक करेंगे। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि इस संसार में हर एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का कोई ना कोई नाम अवश्य ही होता है, तो इस प्रकार नाम का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे राम, श्याम, संगरूर, पंजाब, मेज, कुर्सी आदि। अब हम करेंगे संज्ञा की परिभाषा, भेद और उसके कुछ उदाहरण। संज्ञा की परिभाषा, संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव दशा आदि का नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम और श्याम। अब हम करेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम करेंगे सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भगत सिंह, भारत, हिमालय, नेहा आदि। अब हम करेंगे जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, स्कूल, नदी, फल, डाकर आदि। अब हम करेंगे भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदास, खुश, गुस्सा, प्यार आदि। धन्यवाद।